टीआरएलएस वीडियो लेक्चर्स में स्वागत है। और क्विक रिवीजन क्लासेस ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में आज हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। गेट 2016 में 2 नंबर क्वेश्चन का आया हुआ ये। इसमें दिया हुआ क्रिटिकल फ्लो रेशियो फॉर ए 3 फेज सिग्नल्स आर फाउंड टू बी 0.30, 0.25 एंड 0.25। द टोटल लॉस्ट टाइम इन द साइकिल इज 10 सेकेंड। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एट दिस जंक्शंस आर नॉट सिग्निफिकेंट। द रिस्पेक्टिव ग्रीन टाइम्स एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स एंड राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर्स फॉर द 3 फेजेस आर। ठीक है, तो हमारे पास ये चारों ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले ग्रीन टाइम्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग पता रहना चाहिए। ठीक है, ग्रीन टाइम जो निकालते हैं हम लोग, ग्रीन टाइम का जो फॉर्मूला होता है, जैसे पार्टिकुलर क्रिटिकल फ्लो रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल फ्लो रेशियो मल्टीप्लाइड बाय साइकिल टाइम माइनस लॉस्ट टाइम सी माइनस एल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि टोटल लॉस्ट टाइम यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड हमारा टोटल लॉस्ट टाइम्स है। और क्रिटिकल फ्लो रेशियो जो है अगर हम देखा जाए तो टोटल जो क्रिटिकल फ्लो रेशियो है हमारा समेशन ऑफ वाई आई कह लो। ठीक है, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.25 है ना। तो कहने का मतलब हमारा 0.25 प्लस 0.25 2 बार है ये, तो हमारा 0.8 जो है ये हमारे सम ऑफ द क्रिटिकल फ्लो रेशियो। ठीक है, और इंडिविजुअल का जो फ्लो क्रिटिकल फ्लो दिया हुआ है तो फॉर्मूला में सारी चीज गिवन है, साइकिल टाइम हम लोग को निकालना है। तो साइकिल टाइम सी जो निकालते हैं वो फॉर्मूला था 1.5 L प्लस 5 डिवाइड 1 माइनस समेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो 1.5 हमारा इनटू एल हमारा साइकिल टोटल लॉस्ट टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड प्लस 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.8। ठीक है, तो इससे हम लोग सी कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। तो 1.5 × 10 तो ये हमारा हो गया 15 प्लस 5 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, तो 100 हमारा सी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू हमारा 100 आ गया। ठीक है, साइकिल टाइम। तो अब यहाँ पर जब हम लोग सी निकाल लिए तो अब एक एक करके फेज वन के लिए हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे, फेज वन 3 फेज है तो फेज फर्स्ट फेज के लिए हम लोग जो ग्रीन टाइम होगा, ग्रीन टाइम वो फर्स्ट फेज का जो क्रिटिकल फ्लो रेशियो है वो हमारा है 0.3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द क्रिटिकल फ्लो रेशियो 0.8, और सी हमारा 100 है और माइनस एल लॉस्ट टाइम हमारा 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज का जो हमारा वैल्यू आ गया 19 × 0.3 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 33.75। तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि नियरेस्ट इंटीजर्स में हम लोग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 34 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट फेज का हमारा 34 आ गया। सिमिलरली सेकंड फेज, सेकंड का जब हम लोग निकालेंगे फेज टू का, ठीक है, तो फेज टू का जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हमारा क्रिटिकल फ्लो रेशियो जो है 0.25 हो जाएगा डिवाइड बाय 0.8 × 90। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 90। तो ये हमारा आ गया
28.125। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 28 को अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं नियरेस्ट इंटीजर में। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा 34, 28, 28, ये इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ग्रीन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखोगे काफी आएगा प्रीवियस ईयर में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तो क्रिटिकल फ्लो रेशियो का फॉर्मूला, मतलब साइकिल टाइम का फॉर्मूला पता रहना चाहिए और ग्रीन टाइम का। ठीक है, थैंक यू।